ये लो बेटा डॉटेड फुग्गा, अगली बार मेले में जिद्दी मत करना है ना। पापा हमको भी चाहिए गुब्बारा। अरे आप अभी मम्मी दाखिल किए ना, अब दूसरा भाई आने वाला है उसके लिए दे आएंगे। चलो 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 चलो। अरे एक गिर जाता। पत्थर कागज कैंच, पत्थर कागज के, तुम्हें हर बार कैसे पता चल जा रहा है नर्स बबीता कि मैं कैंची ही निकालूंगा। अरे यार डॉक्टर साहब आएंगे। अरे रे 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 रे, ये तो बहुत बड़ा कट है, लेकिन इसके लिए डॉक्टर साहब की क्या जरूरत है, लाल दवा है ना। संतोष बेटा लाल दवा लेके आ, अभी ड्रेसिंग करेगा तुरंत ठीक हो जाएगा, तब तक आप भी हमारे साथ खेलो। आओ पत्थर कागज कैंची। नर्स बबीता अस्पताल के लखन कहाँ गए, रगड़ो। हाँ आओ डॉक्टर साहब। अरे रे हाथ कहाँ है भाई तुम्हारा? वो यूक्रेन से मिसाइल गिरी, सीधा यहीं आके गिर गई। बट इसमें डॉक्टर की क्या जरूरत है, लाल दवा है ना। संतोष बेटा लाल दवा लेके आ जा तुरंत, तो अभी मरहम पट्टी मारता हूँ, भाला फेंक दोगे इसी हाथ से सीधा पुतिन के नाभि में, तब तक हमारे साथ खेलो। चलिए मौत मौत खेलते हैं। अरे वो डॉक्टर साहब है क्या, क्या दिक्कत है? नहीं रहने दीजिए, वो लेडीज प्रॉब्लम है। अरे तो इसमें डॉक्टर की क्या जरूरत है, लाल दवा है ना। संतोष बेटा लाल दवा लेके आ जा अभी ड्रेसिंग करके। अरे अरे हमारा मुंह से निकल गई भैया, हमको माफ कर दो। साथ ले साथ। छोटी गोल्ड प्लेट। मम्मी पे आया मां से हर बार मां पे फंसती हैं। अरे ये क्या लगा रखा है, हॉस्पिटल है ये? और मैडम आपको मैंने पहले ही कहा था ना कि एक पेशेंट के साथ एक ही बंदा अलाउड है, आप पूरा खाना उठा के ले आई अपना। मान लिया मैडम अलाउ नहीं है, लेकिन आप ही बताइए क्या करते, एक माँ तो अपने बच्चे से लग रह नहीं सकती, अब जब ये माँ इस बच्चे से लग नहीं रह सकती तो ये माँ अपने बच्चे से लग कैसे रह सकती है? और बच्चे का कुछ चटपटा खाने का मन कर गया तो कौन लाएगा, उसके पापा? अब जब हम तीनों यहाँ हैं तो छोटे बेटे को कैसे छोड़ आते? और वैसे भी अपने ताऊ जी से बहुत क्लोज है, अभी घोड़ी बनाएगा ताऊ जी को, फुल एंजॉय करते हैं दोनों। अरे चाची जी अरे! कैसी है कैसी है कैसी है? बस बस छोटू, मैं तो कह रहा हूँ बहुत अच्छा किया कि अस्पताल में ही बुला लिया। हाँ। यही अगर होटल करे होते पैसा भी खर्चा होता फालतू। अरे जी हो क्या रहे, हॉस्पिटल है होटल नहीं है, पूरा खानदान उठा के लिया ये चिल्लम चिल्ली दिन भर। अरे क्या चिल्लम मचा रखी है, सोने भी नहीं देते हो चैन से। तुमको हम पहले ही बोला था कि होटल में ठहरा दो, बारात को कोई हॉस्पिटल में ठहराता है क्या? जा रहे हम यहाँ से। भाई साहब आइए आप अपने बिस्तर पे लेटिए। अरे आप अलग एटीट्यूड में है सुबह से। अरे अस्पताल में बेड ही नहीं है तो किसी और हॉस्पिटल चले जाते हैं। अंकल जी सेलाइन लगवाना है ना, सेलाइन कहीं भी लग जाता है, आप यहाँ बैठ के यहीं पे लग जाएगा। संतोष बेटा सेलाइन लेके अंकल को यहीं बचा। अच्छा अच्छा चलिए कोई दूसरी जगह दिखाते हैं आपको ये। अरे आओ अंकल जी आओ, सेलाइन लगवाना ना, कौन सा आपका चीरा मार के अपेंडिक्स डाल रहा हूं अंदर। बेटा खिसक खिसक की जगह पर अकेले बैठे, बैठो बैठो कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाथ ऊपर रख दे। संतोष बेटा सलाइन ले, अभी सलाइन लग जाएगी। क्या नहीं मजा आ रहा है, सीट खा गए मैं। चल चलिए आइए आइए दूसरी जगह दिखा। अरे अंकल जी आप यहाँ आओ, आपको पर्सनल सीट मिलेगी यहाँ पे, आराम से बैठ के सलाइन लगवाइएगा और हगने का 2 रुपए अलग से। आइए। अरे गाउन टट्टी कर रहा है बदतमीज, मिश्रा जी लगा रहे हैं सलाइन, आइए आपको दूसरी जगह ले चले। अभी मिली ना सही जगह, घर पहुंचते पहुंचते पूरा सलाइन चढ़ जाएगा आपको। अंकल चलिए आगे से बस लेफ्ट में मेरे को छोड़ दीजिएगा, मेरी और बबीता जी की थोड़ी सी सिनेमा डेट है। चलिए चलिए चलिए। डॉक्टर साहब मेरी उंगली। अरे रे 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 तो पूरी नीली पड़ गई, कहाँ दे दी थी? सुंगली को तो काटना पड़ेगा भाई साहब, वरना जहर पूरी बॉडी में फैल जाएगा। लोगों से टॉयलेट का रास्ता कैसे पूछूंगा, डॉक्टर साहब कोई फायदा नहीं हुआ, पूरा हाथ नीला पड़ गया है। अरे माफ कीजिएगा भाई साहब, लगता है उंगली काटने में हमसे थोड़ी सी देर हो गई, लेकिन अब हमको आपका पूरा हाथ काटना पड़ेगा वरना जहर पूरी बॉडी में फैल जाएगा। डॉक्टर साहब बॉडी पार्ट काट रहे हो कि चूतिया? माफ कीजिएगा भाभी जी, हमने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की लेकिन जहर पूरी बॉडी में फैल चुका था और मजबूरन हमें पूरी बॉडी काटनी पड़ी। अबे चूतिये जहर नहीं, उनके शर्ट का कलर छूट रहा था। शिट यार लगा ही था मुझे। We'll be right back.
बात है। अरे शोर मचा के रखा है तब से, कहां कहां से आ जाते हैं पता नहीं। बहुत हार्ड लाइफ। अरे डॉक्टर साहब वो लिख दीजिए ना कोरेक्स, कोई बिना पर्चे के दे नहीं रहा है। अरे यार कितनी बार बोलूं, यहाँ पे नहीं मिलती आदमी को घोड़ा बनाने वाली दवाई। गधे हाशमी दवा खाना रेलवे फाटक के पीछे है, अस्पताल रेलवे फाटक के आगे है, निकल यहाँ से। देखिए भाई भ्रूण हत्या के हम भी खिलाफ है, पर आप इतना बता दीजिए कि लल्ला के लिए झूला खरीदे कि दरात। अरे डॉक्टर साहब प्लीज जल्दी चलिए, बहुत इमरजेंसी है, प्लीज जल्दी 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 चलिए, बहुत जल्दी घर फैमिली इमरजेंसी होगी सर, जल्दी 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 बैठी बैठी बैठी। हाँ चलिए 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 सर। डॉक्टर साहब सर सर प्लीज चलिए, बहुत इमरजेंसी है सर, प्लीज समझिए बहुत इमरजेंसी है, आपको चलना पड़ेगा सर, प्लीज प्लीज सर प्लीज प्लीज आप प्लीज चलिए सर, प्लीज चलिए सर 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 सर। अभी उसको इतना क्या इमरजेंसी रहता है, बार बार लेके जाता है। मेरे बाबू का दिल धक धक कर रहा है। अस्पताल में अगर किसी को बताया ना कि हम यहाँ डॉक्टर डॉक्टर खेलते हैं तो गान तोड़ दूंगा। अगली बार बाबू को बीपी मशीन चाहिए ना, सुना बीपी मशीन। भाई इंजेक्शन मिला क्या? हाँ हाँ विजय, मैं तुम्हारे लिए इंजेक्शन ले आया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ मेरे शेर ला दे ला दे। अरे वो जो कर लेते हैं ना। हे गाइस, अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो और अपने बंदों में इसको बांटो वीडियो को, और ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द कर लिया पा। ये नशे में है क्या? टाइमलाइन।